वेलकम टू एक्सप्लोर द नेचर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो होने वाली है वो साउथ गोवा है। रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है, अगर आप साउथ गोवा आए हैं तो आपको कौन कौन सी बीचेस हैं जो आपको विजिट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड हमारे नॉर्थ गोवा के वीडियो नहीं देखे हैं कि नॉर्थ गोवा में कौन कौन सी बीचेस हैं जो आपको विजिट करनी चाहिए, तो प्लीज़ जाएँ हमारे आई बटन पे और वहाँ से आप गोवा की नॉर्थ गोवा की आप बीचेस देख सकते हैं, कौन कौन सी बीचेस जो मुझे नॉर्थ गोवा में देखनी चाहिए। और आज का जो वीडियो है वो साउथ गोवा के रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको गोवा में कौन कौन सी जो बीचेस है जो साउथ गोवा में आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो नए व्यूअर है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और बगल में जो बेल आइकन है वो उसको प्रेस करें। दूसरों को मालूम चल सके कि गोवा में कौन कौन सी जो बीचेस हैं जो मैं विजिट कर। तो अभी जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे तो गोवा के पूरे साल 12 मंथ ही आप घूम सकते हैं, गोवा में कोई इशू नहीं है, पूरा साल ही घूमने के लिए ही गोवा बना हुआ है, ठीक है। तो अभी जो मोस्ट विजिट जो करते हैं टूरिस्ट लोग वो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये चीज़ जो गर्मी छुट्टियाँ होती हैं, काम की छुट्टियाँ होती हैं और बहुत सारे छुट्टियाँ होती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की, तो बच्चों लोग भी छुट्टियाँ होती है घूमने के लिए। तो घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह जो है वो गोवा में आपको रिकमेंड करूँगा, है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के लिए। तो आप प्लीज़ गोवा आएँ और विजिट करें गोवा, गोवा में कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको साउथ गोवा के बारे में बता दूँ मैं ये कौन कौन सी आपको बीचेस जो हैं वो आपको विजिट करनी चाहिए। फटाफट चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बीचेस के बारे में आपको बताना रहता है कि कौन कौन सी बीचेस हैं जो आपको विजिट करनी चाहिए। तो फ्रेंड वीडियो में चलता हूँ मैं आगे की तरफ, बताता हूँ मैं कौन कौन सी बीचेस हैं जो आपको साउथ गोवा में विजिट करनी चाहिए। तो फ्रेंड पहले नंबर पे आता है आपका बीचेस कोलवा बीच, ये कोलवा बीच मड़गांव में पड़ती है, ठीक है फ्रेंड। तो आप अगर आप नॉर्थ गोवा से आ रहे हैं तो आपको 45 किलोमीटर, है ना, मतलब 1.5 घंटा आपको जर्नी होने वाली है नॉर्थ गोवा से। अगर मापसा से आ रहे हैं तो 45 किलोमीटर आपको कोलवा बीच पड़ेगी साउथ गोवा से, ठीक है। फिर बढ़ते फिर नेक्स्ट की तरफ, तो फ्रेंड आपको पता है हो गया एक नंबर पे पहला बीचेस है जो साउथ गोवा का। मैं आपको बता दूँ इस चीज़ में क्लियर कर दूँ मैं आपको, जैसे मैं आपको नॉर्थ गोवा में बताया था कि नॉर्थ गोवा में विजिट करना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे ही साउथ गोवा में भी 20 बीचेस हैं जो आपको विजिट करना बहुत ही मस्ट है। तो फिर हमारे वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहें, ओके। तो बढ़ते हैं फिर एक नंबर पे अपना साउथ गोवा बीच आता है कोलवा बीच। तो कोलवा बीच जाएँ, बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं कोलवा बीच, बहुत ही मस्त बीचेस हैं, जाएँ घूमें कोई इशू नहीं है, है ना। चलते फिर नेक्स्ट की तरफ, दूसरे नंबर पे बीच है पालोलेम, 2 नंबर पे बीच है पालोलेम बीच, ये भी बहुत ही मस्त बीच है गोवा साउथ गोवा का, बहुत ही फंटास्टिक बीच है, जाएँ वहाँ पर विजिट करें घूमें और इन्जॉय लें, कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड, तो तीसरे नंबर पे बीच है फ्रेंड अगुंडा बीच। मैं आपको बता रहा हूँ मैं ये सभी बीचेस जो है बहुत ही मस्त बीचेस हैं, आप साउथ गोवा के घूमेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैं वाकई में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ गोवा की नेचर को, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड, तो नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड अपने 4 नंबर पर बीच है बेनौलिम बीच, वे भी बहुत ही मस्त बीचेस हैं साउथ गोवा के, आप जाएँ और बीचेस को एक्सप्लोर करें। और फिर मैं एक बार बता दूं मैं आपको जितने बीचेस मैं बता रहा हूं ये बीचेस मैं विजिट कर चुका हूं, हमारे चैनल पे सारी वीडियो अपलोड हैं, आप जाएँ हमारे वीडियो में हमारे एक्सप्लोर द नेचर में जाएँ और वहाँ पे सारे वीडियो अपलोड हैं गोवा के, साउथ गोवा के, नॉर्थ गोवा के, ऑलमोस्ट गोवा के सारे वीडियो अपलोड हैं। नहीं देखें ऐसे बीचेस वीडियो जाके मेरे चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बढ़ते हैं फिर 4 नंबर पे, जो मैं आपको बताया बेनौलिम बीच भी मस्त बीच है, जाएँ वहाँ विजिट करें, बहुत सुंदर बीच है, बहुत ब्यूटीफुल बीचेस हैं, जाए देखें। चलते हैं फिर पाँचवें नंबर पे बीच है मोबर बीच, ये मोबर बीच जो है लीला होटल जो आती है ना, लीला होटल होने के बाद ये मोबर बीच पड़ती है, ये लीला होटल के उस साइड है, है ना, बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, रिजॉर्ट के बगल में ये मोबर बीच है, बहुत ही खूबसूरत बीच है। ये सब बीचेज मैं बता रहा हूँ
साउथ गोवा के बीचेस जो है ये पाँच नंबर बीच है। यहाँ पे लोग बहुत कम दिखते हैं, आप यहाँ पे सनसेट भी एक नंबर होती है, तो सनसेट भी देखेंगे वहाँ पे आप, है ना, एक नंबर आपको व्यू आएगा वहाँ पे, ब्यूटीफुल नज़ारा है एकदम, एक नंबर नज़ारा। मैं क्या बताऊँ, मैं ये बीचेस बहुत अच्छे नंबर पे बीच है, वो है वारका बीच। वारका बीच बहुत ही मस्त बीच है ना, गोवा के जितने बीचेस हैं वो बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। आप वहाँ पे प्लीज़ जाएं और विजिट करें और इन्जॉय लें। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड, सातवें नंबर पे बीच है बेताल बैतिम बीच। बेताल बैतिम बीच, ये बीच भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, अमेजिंग व्यू है। आप जाएं ये बीचेस पे, सातवें नंबर बीच जो है बेताल बैतिम बीच, ये भी बहुत मस्त बीच है, जाएं और विजिट करें और इन्जॉय करें। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड, नेक्स्ट की तरफ आठवें नंबर पे अपना, आठ नंबर पे बीच है मजोड़ा बीच। ये मजोड़ा बीच मड़गांव में आती है, ये भी मस्त बीच है ना, पाम ट्री है, पाम ट्री फैला हुआ है, एक नंबर। आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ज़बरदस्त व्यू में तक लाइफ नहीं देखा मैं गोवा का ऑलमोस्ट बीचेस जो मैं विजिट कर चुका हूँ। ये सब बीचेस की जो वीडियो है वो हमारे चैनल में अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ, आठ नंबर पे बीच, नाइन नंबर पे बीच है कैवेलसोम बीच। थोड़ा बीचेस के नाम जो है मतलब थोड़ा से डिफ़िकल्ट है लेने में, नहीं बन पाता है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप ये देख सकते हैं और मैप में डाल के वो बीचेस भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट बीच की तरफ, दसवें नंबर पे बीच है फ्रेंड बटरफ्लाई बीच। ये जो बटरफ्लाई बीच है बहुत ही अमेजिंग व्यू है, आप चाहें ये दसवें नंबर पे, टेन नंबर पे बटरफ्लाई बीच है जो साउथ गोवा में है, बहुत ही ज़बरदस्त बीच है, आप चाहें वहाँ पे विजिट करें। आप अमेजिंग नहीं किए होंगे कि मैं इस जगह पे मैं कभी लाइफ में आऊँगा, मैं बहुत ही मस्त बीच है, चाहें वहाँ पर विजिट करें। चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ वीडियो, नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड वीडियो लंबी होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ, एलेवन नंबर पे बीच है फ्रेंड पैटनेम बीच। पैटनेम बीच, ये बीच भी बहुत ही खूबसूरत बीच है, चाहे विजिट करें और इन्जॉय करें। चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ, ट्वेल्व नंबर पे, बारह नंबर पे बीच है बोगमालो बीच। ये बोगमालो बीच में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ये रिसोर्ट है, उसके बगल में ये बीच है, बहुत ही खूबसूरत बीच है, चाहे विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये बोगमालो बीच। ये एयरपोर्ट के रोड, ये एयरपोर्ट रोड तक पड़ता है ये बीच, है ना, एयरपोर्ट से पहले आपको लेफ्ट के साइड, लेफ्ट के साइड में जाना रहता है ना, वो हाईवे से एयरपोर्ट रोड से आपको चार से पाँच किलोमीटर के डिस्टेंस में आती है ये बोगमालो बीच, बहुत ही खूबसूरत बीच है। इसका भी वीडियो मैं बना कर रखा हूँ, मैं आप जाए हमारे चैनल पे और ये वीडियो भी देखें आप, बोगमालो बीच। ये बोगमालो बीच वास्को में पड़ती है फ्रेंड, जाएँ और विजिट करें। ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ, चलिए तेरह नंबर पे, थर्टी नंबर बीच में आप बता रहा हूँ मैं पोलेम बीच। पोलेम बीच ये भी मस्त बीच है, जाएँ वहाँ विजिट करें, घूमें और इन्जॉय करें, कोई इशू नहीं है, चाहे जल्दी जाएँ और जाके एक्सप्लोर करें पोलेम बीच को। चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ, फोर्टी नंबर पे, चौदह नंबर पे बीचेस है जो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ मैं। चौदह नंबर बीच है तालपोना बीच। ये बीचेस नाम सुने कभी आप, तालपोना बीच? ये सब बीचेस घूमने लायक है अगर आप हैं तो, ये सब बीचेस आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं, विजिट नहीं करते तो आपको गोवा ट्रिप एकदम बेकार गया, कोई मतलब नहीं है गोवा ट्रिप का, तो प्लीज़ ये सब बीच को इग्नोर ना करें, जाएँ और विजिट करें, बहुत खूबसूरत बीच है, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मैं इस जगह पर मैं हूँ मैं। ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट पंद्रह नंबर पे, फिफ्टीन नंबर पे जो बीचेस है फ्रेंड वो है बैतूल बीच। बैतूल बीच, ये भी बीचेस बहुत ही फंटास्टिक है। फिफ्टी नंबर पे बीच जो है अपना बैतूल बीच, बहुत ही फंटास्टिक बीच है, बहुत ही अच्छा व्यू है, चाहे वहाँ पे विजिट करें और इन्जॉय करें। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ, सोलह नंबर पे, सिक्सटीन नंबर पे बीच है गलगीबागा बीच। ये बीचेस बहुत ही खूबसूरत बीच है, चाहे वहाँ पे विजिट करें, है ना, ये बीचेस पे कछुए जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही मस्त बीचेस है ये साउथ गोवा की बीचेस, चाहे वहाँ पे विजिट करें। बीच का नाम है आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गलगीबागा बीच, ठीक है, ये नॉर्थ गोवा का बागा बीच नहीं है, ये साउथ गोवा का बीच है, है ना, इसमें सिर्फ जो है गलगी लगा हुआ है, जी ए एल जी आई बी ए जी ए, ठीक है, तो ये गलगीबागा बीच जाएँ और विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत बीच है, आप मिस नहीं करेंगे मैं इसे बीचेस पर मैं हूँ। ओके, बढ़ते फिर नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड, सत्रह नंबर पे जो बीच है फ्रेंड, सेवेंटी नंबर पे बीच है फ्रेंड वो है उतोड़दा बीच। उतोड़दा बीच, ये भी बहुत ही मस्त व्यू है फ्रेंड, चाहे वहाँ पे नज़ारा ले
और इन्जॉय करें, एक्सप्लोर करें नेचर का, बहुत ही खूबसूरत बीच है साउथ गोवा के, चाहे आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इस जगह पे हूँ। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बीच 18 नंबर पे बीच जो है, 18 नंबर पे वो है कोला बीच। कोला बीच ये भी बीच बहुत ही मस्त बीच है, पाम ट्री हर बीच पे आपको मिल जाएंगे देखने, खूबसूरत नज़ारा है। आप में से नहीं कह सकते कि मैं इस जगह पे मैं हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ नेचर को, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। तो प्लीज़ जाएँ और इस सब जगह पे बीच को एक्सप्लोर करें, बहुत अच्छे बीचेस हैं। आप कभी एक्सप्लोर नहीं, आप कभी एक्सप्लेन नहीं किए होंगे कि मैं इस जगह पे मैं विजिट कर रहा हूँ। तो ये सब बीचेस जो हैं साउथ गोवा के आप घूमनी चाहिए, बहुत अच्छे बीचेस हैं जो आप घूम नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ जाएँ, सब बीचेस को मैप में, गूगल मैप में डालें, मैप में डालें और जाएँ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड। नेक्स्ट नंबर पे अपना है 19 नंबर पे, 19 नंबर पे है अरोशिम बीच। ये भी बीच बहुत अच्छी बीच है, बहुत ही फेमस बीच है, जाए घूमे और इंजॉय करें, कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। लास्ट जो नंबर पे है 20 नंबर पे बीच है फ्रेंड, अपना खूबसूरत बीच है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि सब बीचेस में घूम रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। तो प्लीज़ जाएं और इस बीच को आप एक्सप्लोर करें और कमेंट करके बताएं कि ये सब बीचेस कैसे लगे घूमने में साउथ गोवा के और नॉर्थ गोवा के। तो ये बीचेस थे फ्रेंड, टोटल 20 बीचेस, 20 बीचेस जो साउथ गोवा में आपको घूमना बहुत ही ज़रूरी है और घूमनी चाहिए, है ना। जैसे कि आपको मैं बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि नॉर्थ गोवा में कुछ बीचेस जो है ना, कलंगुट, बागा, कंडोलिम, अंजुना, है ना, रामबोल, मांद्रे, मोरजिम बीच, ये कुछ बीचेस जो फेमस बीच हैं, बस लोग 6-7 ही बीचेस घूम पाते हैं और फिर गोवा घूम के चले जाते हैं। तो ये आपका गोवा घूमना नहीं हुआ पूरी तरीक़े से। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ जो नॉर्थ गोवा में 20 बीचेस हैं, बीचेस हैं, तो आपको ये घूमना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये जाएँ और बीच को घूमें, और मतलब ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो गोवा में आपको घूमनी चाहिए, नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में। मैं आपको मैं सजेशन करूँगा, आप मेरा वीडियो देखें, आई बटन पर मैं एक बार मैं दे चुका हूँ पहले वीडियो में, है ना, स्टार्टिंग में दे चुका हूँ आई बटन पे, वहाँ से जाएँ और नॉर्थ गोवा का वीडियो आप देखें कि नॉर्थ गोवा में क्या क्या घूमने लायक है, क्या क्या घूम सकते हैं आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में। तो फ्रेंड और एक बार बता दूँ मैं, क्लियर कर दूँ मैं एक बात कि अगर आप साउथ गोवा में हो या नॉर्थ गोवा में हो या गोवा में कहीं भी हो, आप कोई सा बीच पे हो, तो प्लीज़ बीच पे कचरा ना फैलाएं, बीच को क्लीन रखें। और बियर, दारू, ड्रिंक जो है आप ऑन द बीच नहीं ले सकते हैं, ये रेस्टिगेट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप पकड़े जाते हैं तो फाइन है, उस पर आपको ऊपर चार्जेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ को ख्याल रखें, आप कोई सा बीच, गोवा कोई सा बीच पे हैं आप, तो प्लीज़ वहाँ पे ड्रिंक ना करें, है ना, ये गोवा की गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। और एक बात और, अगर आप गोवा में ड्राइव कर रहे हैं, खुद से ड्राइव कर रहे हैं गोवा में, अगर आप आपकी पर्सनल गाड़ी है अगर लेके आते हैं, तो आप प्लीज़ ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। ड्रिंक एंड ड्राइव में बहुत बड़ा चार्जेस है, अगर आप पकड़े जाते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव में, गाड़ियाँ पकड़े जाते हैं, तो बहुत बड़ा फाइन है गोवा में। तो प्लीज़ ये चीज़ को आप माइंड पर रखें, है ना, कि ड्रिंक करके ड्राइव आपको नहीं करना है गोवा के अंदर में। गोवा के अंदर क्या, आपको इंडिया में कहीं भी आपको अगर आप ड्राइव करते हैं, तो आप प्लीज़ ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। पूरे इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो गोवा में है ही, इसके लिए नियम बहुत हार्ड है ना, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऐसे इंडिया में भी नियम है, तो कुछ लोग पीते हैं, निकल जाते हैं, बच जाते हैं लक बाई चांस, बट कभी कभी किस्मत ख़राब रहती है तो समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप ड्राइव करते हैं इंडिया में कहीं भी हैं, तो प्लीज़ ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, है ना, दुर्घटना हो सकती है प्लीज़, और अपना लाइफ देखें। तो फ्रेंड ये थी जो बीचेस साउथ गोवा में जो आपको घूमना चाहिए अगर आप साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा आए हैं, तो इसके बिना आपका गोवा ट्रिप पूरी नहीं होती है ना, सक्सेसफुली नहीं होती है। तो प्लीज़ ये बीचेस को आप विज़िट करें, चाहें गोवा बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही गोवा इज़ बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर टूरिज़म पैलेस, समझ रहे। तो गोवा एक नंबर चीज़ है इंडिया में घूमने के लिए, तो गोवा आए, गोवा उतना एक्सपेंसिव नहीं है, उतना महंगा नहीं है गोवा, आप आराम से घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप जैसे मान लो, अगर आप मैं कुछ मैं आपको मैं बातें बता देता हूँ मैं गोवा के बारे में थोड़ा सा, तो मैं जैसे आप बता दूँ, मैं जैसे आप ट्रेन से आ रहे हैं, कोंकण रेलवे से आ रहे हैं आप,
कोकण रेलवे से, जैसे कि मान लो आप मुंबई की तरफ से आ रहे हैं, पनवेल, रत्नागिरी, चिपलून, कुडाल और सावंतवाड़ी की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको पहला जो है गोवा का रेलवे स्टेशन वो पेरनेम पड़ती है, उसके बाद थीवी में आती है। तो नॉर्थ गोवा का जो पेरनेम और थीवी है, ये दो ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेते हैं, उतर जाते हैं। तो ये जो स्टेशन है ये छोटा स्टेशन है ना, पेरनेम और थीवी, यहाँ से भी उतर के आप गोवा आउट गोवा में इंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। और जैसे कि मान लो पेरनेम उतरते हैं तो पेरनेम के जस्ट बगल में आपका रोड है और टैक्सी ऑटो गाड़ियाँ मिल जाती हैं। थीवी में उतरिएगा तो वहाँ भी आपको पायलट है, टैक्सी है, वहाँ से आप हायर करके बुक करके जा सकते हैं, आपका जो होटल बुकिंग है, आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सब ध्यान रखिए, जो छोटा स्टेशन है, ट्रेन बहुत कम रुकती है ना, सिग्नल रहती है तो पेरनेम पे या थीवी में रुक जाती है। कोई कोई ट्रेन की जैसे कि जो सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है, ये सब जो बहुत कम स्टॉपेज होती है थीवी और पेरनेम में, है ना, कोई कोई ट्रेन की रहती है थीवी में स्टॉपेज, ठीक है, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट वास्को या मडगांव जाके वो ट्रेन रुकती है। तो वहाँ से भी आप नॉर्थ गोवा आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाई बस आ सकते हैं, बाई टैक्सी आ सकते हैं, बाई टैक्सी में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, बाई बस आते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ती है, थोड़ा महंगी नहीं पड़ती है। जैसे ये तो हो गया आप मुंबई की तरफ से आ रहे हैं, अगर आप साउथ की तरफ से आ रहे हैं, है ना, बैंगलोर मैंगलोर तरफ से आ रहे हैं, कर्नाटक की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको जो स्टेशन जो है वो सब मड़गांव और वास्को, गोवा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मड़गांव और वास्को, ये दो स्टेशन जो है बहुत ही बड़ा स्टेशन है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप मड़गांव उतरते हैं तो मड़गांव से जो केटीसी या जो कदम्बा बस स्टैंड जो है वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो आप वहाँ से बस से भी आ सकते हैं और गाड़ी हायर करके, ऑटो या टैक्सी करके हायर या पायलट हायर करके आप बस स्टैंड आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप वास्को उतरते हैं, वास्को डगामा रेलवे स्टेशन उतरते हैं, तो वहाँ से आप बस स्टैंड जो है केटीसी कदम्बा बस स्टेशन वहाँ से नज़दीक पड़ता है, हाफ किलोमीटर के अंदर में है। तो आप जैसे बाहर निकलेंगे राइट की तरफ जाएंगे आगे हाफ किलोमीटर, तो आपको लेफ्ट साइड में केटीसी का बस स्टैंड है, वहाँ से आप गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं गोवा में जाने के लिए। ओके, से नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट वहाँ से बस मिल जाएगी पंजी की, पंजी से फिर आप वहाँ से आ सकते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वो। फ्रेंड, आज के वीडियो बस ये तक था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।